वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक की बात की जाए तो 74.75 रिसेंटली ट्रेडिंग करा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक। 10 पैसे की गिरावट देखने को मिले आईओसी स्टॉक के अंदर। तो देख सकते कि जो प्रीवियस क्लोजिंग थी आज यहाँ पे ओपन हुआ था, थोड़ा सा हल्का सा गैप डाउन से ओपन हुआ था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक ओपन होते गिरावट देखने को मिली थी, पर देख सकते कि स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी की। दोपहर के पीरियड में यहाँ पे आप देख सकते प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट किया और उसी का सपोर्ट लेके स्टेबल था, पर रिसेंटली फिर से यहाँ पे आप देख सकते कि प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने। तो यहाँ पे देखा जाए तो देख सकते कि न्यूज के ऊपर नजर डालेंगे कि कोई खास न्यूज है क्या आईओसी स्टॉक के लिए। तो न्यूज की बात की जाए तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन टू अंडरटेक इंटेंसिफाइड टीबी एलिमिनेशन प्रोजेक्ट इन यूपी छत्तीसगढ़। तो देख सकते यही खास न्यूज दिखाई दे रहे स्टॉक के लिए, बाकी कोई लेटेस्ट अपडेट सामने नहीं दिखाई दे रहे रिगार्डिंग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर है, पी रेशियो 8.94 का है और डिविडेंड यील्ड 11.23% का। लास्ट 5 डेज की बात की जाए तो देख सकते हैं कि स्टॉक में यहाँ पे काफी यहाँ पे गिरावट के बाद तेजी देखने को मिले रिसेंटली। तो वॉल्यूम के ऊपर नजर डाली जाए यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, तो देख सकते कि ट्रेडेड वॉल्यूम टोटली 88 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। ट्रेडेड वॉल्यूम के साथ ट्रेडेड वैल्यू जो है 6,626 लाख की है। बाइंग के लिए 17 लाख है तो सेलिंग के लिए 13 लाख। बाइंग का प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन भी देखे जाए 53 लाख में से 24 लाख क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं, कुल मिलाकर 46%। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक का चार्ट भी देखा जाए तो यहाँ पे एक बहुत गिरावट के बाद रिसेंटली चौपीस मूवमेंट देखने को मिल रहा है पिछले 3 दिनों में स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे देखा जाए तो देख सकते कि 74 लेवल और 75 लेवल ऊपर यहाँ पे रजिस्टर्न एक्ट हो रहा है। 75 लेवल को ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है फिर से एक बार सक्सेसफुल्ली, तो नहीं ब्रेकआउट देता तो फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। और